हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी अपलोड्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस का सबसे पहले पता लग सके। पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की बिल्कुल नीड नहीं है। यहाँ मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, दो टमाटर लिए हैं, टमाटर का साइज मीडियम है, और चार हरी मिर्च ली हैं, और यहाँ मैंने एक नींबू लिया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पुदीने की चटनी कैसे बनानी है। तो यहाँ मैंने एक जार लिया है और जार में टमाटर के पीसेस कट करके डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसमें मिर्ची को भी कट करके डाल देंगे और यहाँ हमने पुदीना डाल दिया है। अब जो हमने नींबू लिया था, हम उसका रस इसमें डाल देंगे। आपको जितना खट्टा पसंद हो आप उस हिसाब से नींबू की क्वांटिटी ले सकते हैं। वैसे एक नींबू इतनी पुदीने की क्वांटिटी से इनफ रहता है। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा। यहाँ मैंने हाफ टेबल स्पून जीरा लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, और यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग ली है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इसका बिल्कुल एक पेस्ट रेडी करना है। तो ये अब देखिए, चटनी एकदम रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। कलर कितना अच्छा आया है पुदीने की चटनी का। पुदीने की चटनी बनाने का इससे इजी तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इमली की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 100 ग्राम इमली ले ली है और अब हम कुकर में इस इमली को डाल लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया है। आप लोग इमली की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड करें। और अब हम कुकर को रख देंगे गैस पर। हमें इसमें 5 से 6 सीटी लगवानी है और अब हम आइए चेक कर लेते हैं इमली को। तो ये अच्छे से उबल चुकी है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है और उस पर एक छलनी रखी है। अब हम इस पर डालेंगे जो हमने इमली उबाली है और अब इसे अच्छे से मैश करते हुए इसका जो पानी है वो इस बर्तन में आ जाएगा। जैसे ही हमें लगने लगे कि ये इमली थोड़ी सी सूखी हो गई है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है वरना इमली की कंसिस्टेंसी बहुत पतली हो जाएगी। तो इस तरह इसे मैश करें और अब आप लोग देख सकते हैं इमली का पानी रेडी हो चुका है। अब बस इसे पकाना रहता है। तो आइए इस बर्तन को हम रखेंगे गैस पर। अभी हमें इमली के पानी को मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तब तक यहाँ मैंने 1/2 किलो गुड़ ले लिया है। गुड़ डालना बहुत ज़रूरी है वरना इमली बहुत ही खट्टी होती है। तो थोड़ा एडजस्ट करने के लिए खट्टा मीठा टेस्ट हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने इमली के पानी में गुड़ ऐड कर दिया है और अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से पकने दें
जैसे ही इमली के पानी में उबाल आने लगे, हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून काला नमक, 1/2 टेबलस्पून सफेद नमक और 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अभी पकने देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से पक चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज हो चुकी है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा पतला। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक यहाँ मैंने एक तवे पर जीरा ले लिया है, यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून जीरा लिया है और मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और इसे थोड़ा सा हाथों की हेल्प से मैश कर लेना है कि ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे मैश कर लिया है और अब इसे इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। जीरे से इमली की चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये यहाँ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इमली की चटनी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ मैंने एक बोल में इमली की चटनी सर्व कर ली है। आप लोग देख सकते हैं इमली की चटनी का कलर कितना परफेक्ट आया है और जीरा इसे एक अलग ही लुक दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इमली की चटनी ना ही ज़्यादा गाढ़ी बनी है ना ही ज़्यादा पतली, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अगर आप लोगों को इमली की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।